जी हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो आलू के पराठे के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें गूंदा हुआ आटा चाहिए होगा, इसके अलावा उसका मटेरियल बनाने के लिए हमें उबले हुए आलू चाहिए होंगे। ये हमने आलू उबाल के रख लिए हैं और इसमें मैंने ज़ीरा डाल लिया है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर नमक डालूँगी और इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे और हम थोड़ी सी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। फिर हम इस मटेरियल को रख लेंगे और फिर हम इसको आटे के दो पेड़े बनाकर उसके दरमियान में हम फिल कर लेंगे और फिर हम इससे आलू का पराठा बना लेंगे। बना लिए हैं पेड़े, आम पेड़े से थोड़े साइज़ में छोटे होने चाहिए क्योंकि अगर हम बड़े पेड़े बनाएंगे तो रोटी हमारी मोटी बन जाएगी। ये मटेरियल जो मैंने बनाकर रखा हुआ है वो ये है। अब मैं इसकी दो छोटी छोटी रोटियाँ बेलूँगी और फिर उसके अंदर पहले जो है इस मटेरियल को रख दूँगी। रोटी बनाकर इसके ऊपर मैंने मटेरियल लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रख कर इसको बंद कर दूँगी। दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दी है और मैंने साइडों से टैप करके इसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। अब मैं इसकी रोटी बेलकर इसको तवे पर डालूंगी। रोटी हमने गर्म तवे पर डाल दी है। अब जैसे ही एक साइड से पकेगी हम उसकी दूसरी साइड पलट देंगे और इसको ऑयल लगाएंगे और इस तरह से हमारा पराठा पक जाएगा। ये पराठा जो है वो पक कर तैयार हो गया दोनों साइडों से। दो का पराठा रेडी हो गया है। आप इसे अंदर से देखें, ये फुल भरा हुआ है। ये एक बहुत इजी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।